उपमंडल बंगाणा के रेंज ऑफिसर संदीप सेठी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जब विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत मलांगड़ के सोहारी निवासी बिहारी लाल पुत्र बसंत राम के घर पर ग्राम पंचायत मलांगड़ के प्रधान महेंद्र चौहान एवं वार्ड सदस्यों के साथ दबिश दी तो उक्त व्यक्ति के घर के अंदर वाले स्टोर में 90 छोटे और बड़े खैर के मोछे बरामद हुए हैं। जब उक्त व्यक्ति से पूछा गया कि यह मोछे कहां से आए हैं तो उसने कहा कि यह सरकारी ज़मीन से काटे हैं, अवैध कटान करके डंप घर के स्टोर में ही लगा दो और किस ठेकेदार को यह खैर के मोछे सप्लाई होने थे अब जांच में इसका खुलासा होगा। सूचना हमें अवैध कटान के बारे में मिली थी जिसमें सुहारी मलांगड़ पंचायत में एक गांव है जिसमें बताया गया कि बिहारी लाल नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने कुछ खैर के पेड़ काट के अपने घर में जमा कर रखे हैं। तो उसी सूचना के आधार पर हमने एक टीम का गठन किया जिसमें हमारे दोनों ब्लॉक ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड थे। मौके पर दबिश दी गई, वहाँ मौके पर हमने ग्राम पंचायत प्रधान को बुलाया और जो साथ में वार्ड मेंबर थे उनको बुलाया गया। जब मौके पर छानबीन की गई, उनके स्टोर को चेक किया गया तो वहाँ पर बानुए जो हैं हमें खैर के मोछे मिले हैं और 11 जो जड़ें हैं खैर के पेड़ों की वो जब्त की जा चुकी हैं। इस मामले में जो है एक जो अभियुक्त है बिहारी लाल उनको जो है अभी पुलिस के हवाले किया जाएगा और उनके विरुद्ध जो है जल्दी प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। आपका फैसला टीवी के लिए बंगाणा से राजनीतिक संवाददाता विपिन साजन की विशेष रिपोर्ट।